हम लोग इस वीडियो में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस एग्जामिनेशन, जो सिविल सर्विसेज की मेंस एग्जामिनेशन होती हैं, उनका मेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह 2016 का जो मेंस एग्जामिनेशन था, जिसको हम लोग 6th जेपीएससी कहते हैं, उसका यह क्वेश्चन पेपर है। अभी तक जो है ये पैटर्न जो है 2016 में चेंज हुआ था। अभी तक 2024 एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास दो ही पेपर है, मेंस का और पीटी का। एक है 2016 का जो 6th जेपीएससी हुआ था, और एक है 2021 का जो नए पैटर्न पर हुआ था, जहां पर कि मेंस में टोटल 6 पेपर देने होते हैं। सिलेबस वाले वीडियोस को देखकर आप इसके पैटर्न को समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर मैंने 6 के 6 पेपर्स जो है उनको रखा है। किसी भी एग्जामिनेशन को जानने और समझने के लिए सबसे बेहतर जो उसका टूल है, वो है उसका क्वेश्चन पेपर एंड उसका सिलेबस। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर पर बात कर रहे हैं। पेपर वन जो है ये क्वालिफाइंग होता है, अर्थात कि इसका जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। ये 100 मार्क्स का जो है, इसमें हर एक कैंडिडेट को 30 नंबर ले आना जरूरी है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। दो भागों में यह क्वेश्चन पेपर बटा है। पहला भाग जो है वो हिंदी का है 50 नंबर का, और दूसरा भाग जो है वो अंग्रेजी का है। पहला भाग का जो पहला क्वेश्चन है हिंदी का, इसमें एक जो प्रश्न है, इसमें जो 5 टॉपिक दिए हुए हैं निबंध के, किसी एक विषय को चूज करते हुए 400 शब्दों में हमें निबंध लिखना है। 15 अंकों का ये होता है। जैसे आधुनिक भारत, शिक्षा प्रणाली, भारत पाक संबंध, भारत समाज में दहेज उन्मूलन के उपाय, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, झारखंड राज्य के 16 वर्ष। हम लोग जानते हैं कि हमारा झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग होकर देश का 28वां राज्य बना था। तो देश का 28वां राज्य बना था 2016 में, इसके 16 वर्ष पूरे हो गए। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि झारखंड राज्य बनने के 16 वर्ष जो हुए, उन पर आप 400 शब्दों में निबंध लिख दीजिए। इसमें से किसी एक विषय को चूज करते हुए हमें निबंध लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर हरेक जो प्रश्न है वो 5-5 नंबर के हैं। जैसे पहला पूछा गया है कि संधि और समास में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण के साथ बताइए। अर्थात कि तीनों जो प्रश्न है ये परिभाषा से रिलेटेड प्रश्न है व्याकरण के। प्रश्न 3, किन्हीं 5 मुहावरों को हमें चूज करना है, और यहां पर क्या करना है, उसके आंसर करने हैं। और हर एक जो मुहावरा है वो एक एक नंबर का होगा, क्योंकि 5 करना है। क जो है ये टोटल 5 नंबर का है, तो 5 यहां से कर लेना है, और ख भी 5 नंबर का है। यहां पर शुद्ध करना है, ये जो 5 वाक्य दिए गए हैं इनको शुद्ध करना है। चौथा जो प्रश्न है ये 10 नंबर का है। अवतरण का शीर्षक देते हुए हमें संक्षेपण लिखना है। ये अवतरण पढ़ना है और इसका एक शीर्षक बनाना है। आंसर इसका हम लोग बाद में देखेंगे। और संक्षेपण जो है 1/3 शब्दों में लिखना होता है। सबसे पहले इस अवतरण को पढ़कर इसके शब्दों को काउंट कर लेते हैं कि कितने शब्द है। मान लीजिए कि ये 100 शब्द है, तो 100 का 1/3 जो है लगभग 33 शब्दों में हमें संक्षेपण लिख देना होता है इसका। अब देखते हैं जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश का भी जो पहला क्वेश्चन है वो 4 टॉपिक्स हैं, और इस पे किसी पर ऐसे लिखना है 400 वर्ड में। जैसे द नाइट बिफोर एन एग्जामिनेशन, टूरिज्म इन झारखंड, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट, एंड इन इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी। ये 15 नंबर का होगा, और ये इंग्लिश का पेपर है, तो इसका आंसर हमें इंग्लिश में ही देना है। एक चीज और यहां पर क्लियर कर लेते हैं कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मिला के 100 नंबर है ना, तो इन दोनों को मिलाते हुए, ऐसा नहीं है कि जनरल इंग्लिश में 20 नंबर ले आना है, वहां 10 नंबर ले आना है, यहां 10-20, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है कि दोनों को मिलाकर 100 नंबर का है, तो हमें 30 नंबर ले आना है। अर्थात कि इंग्लिश का ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मिनिमम कट ऑफ है, दोनों को मिलाकर हमें मार्क्स ले आने हैं 100 में 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट और री राइट करना है, इसमें से किसी 5 को करना है, ये भी करेक्ट करना है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पेसेज दिया हुआ है इसको पढ़ना है, और फिर जो गिवेन क्वेश्चन है यहां पर, ये 5 जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। हर एक जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, और फिर हमें प्रेसी लिखना है 10 नंबर का। प्रेसी भी जो होता है 1/3 वर्ड में हमें लिखना होता है। इस पूरे पैसेज का जो है हमें क्या करना है कि वर्ड काउंट कर लेना है, और उसको 1/3 से डिवाइड कर देना है, जो आएगा उस वर्ड में हमें इस प्रेसी को लिख देना है। तो यह हमारा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का प्रश्न पत्र रहा, जो कि पेपर फर्स्ट होता है, क्वालिफाइंग है। अब यहां से पेपर 2 जो है, यहां से हमारे मार्क्स जुड़ने ऐड हो जाएंगे। अर्थात कि पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, ये जो पेपर 2 है ये 150 मार्क्स का होता है, 3 जो है 200 मार्क्स का होता है, 4 200 मार्क्स का, 5th भी 200 मार्क्स का, और 6th भी 200 मार्क्स का। इस तरह से जो टोटल मार्क्स हैं मेंस के जो जोड़े जाएंगे मेरिट लिस्ट में, वो हो गए 950 मार्क्स, जिसमें से कि
पेपर टू जो है ये लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर होता है। तो इस वीडियो में हम हिंदी भाषा और साहित्य के पेपर को देख रहे हैं। हर एक यहाँ पर 15 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भाषा को चूज करना है पेपर टू के लिए। वो आप सिलेबस में देख सकते हैं, सिलेबस वाले वीडियो में मैंने उसको डिटेल्स में समझाया है। तो हमने यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर को रख लिया है। यदि आप खोरठा रखेंगे तो खोरठा के लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस रहेगा, समय 3 घंटे दिए जाएंगे और वहाँ पर भी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 150 मार्क्स के होंगे। तो हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा और साहित्य पर हम लोग बात करते हैं। प्रश्न पत्र जो है दो भागों में विभक्त रहेगा। भाग एक, यहाँ पर प्रश्न 1 से 4 तक जो है रहेंगे और भाग बी में 5 से 8 तक रहेंगे। कुल 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1 और 5 जो है उत्तर देना अनिवार्य है। जैसे इसको समझते हैं तो यहाँ समझ में आ जाएगा। जैसे भाग एक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंपलसरी है, 35 नंबर का है। यहाँ से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 7 दिए हुए हैं, किन्हीं 5 का देना है और हरेक जो है वो 7-7 नंबर के हो जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी भाषा के क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए, भाषा तथा बोली के अंतर को स्पष्ट कीजिए, समास क्या है इसके भेदों की चर्चा कीजिए, राजभाषा के रूप में हिंदी का महत्व समझाइए, काव्य प्रयोजन क्या है स्पष्ट कीजिए, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालिए, व्यंजन शब्द शक्ति के लक्षण और उदाहरण दीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए और क्वेश्चन नंबर 5 जो है भाग व का इसको भी अटेम्प्ट करना है। यहां पर भी 7 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। अब क्या करना है कि 4 क्वेश्चन और हमें अटेम्प्ट करना है और यहां पर कहा गया है कुल 7 प्रश्न हैं, कुल 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य, प्रश्न अनिवार्य प्रश्न 1 एवं प्रश्न 5 के अंतर्गत कुल 7 प्रश्न है। हाँ, ये तो केवल 1 और 5 के बारे में कहा जा रहा, कुल हमें 6 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो हमने 2 प्रश्नों का आंसर दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर दे देना है। जैसे कि इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से अटेम्प्ट कीजिए भाग ए से और 2 क्वेश्चन बी से अटेम्प्ट कीजिए, तो ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन है कि भाषाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधारों को सुधारण विवेचना कीजिए, संस्कृत काव्य शास्त्र में विवेचित काव्य हेतुओं की व्याख्या कीजिए, तीसरा हिंदी के सर्वनाम का सुधारण विवेचन कीजिए, ध्वनि के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी उपयोगिता बताइए और उसी तरह से प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा और प्रासंगिकता पर विचार कीजिए, संधि और समास की परिभाषा देते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। बी में भी जो 5 क्वेश्चन है ये कंपलसरी है, इसको अटेम्प्ट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन दिए हैं, 7th है 8th है, इसमें से किन्हीं 2 को कंप्लीट यहां से करना है और 2 को सेक्शन ए से कंप्लीट करना है। इस तरह से अपना लैंग्वेज और लिटरेचर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं जनरल स्टडीज के पेपर पर। पेपर 3 से स्टार्ट होता है जनरल स्टडीज के जो पेपर्स हैं। पहला जो पेपर है पेपर 3, इसमें सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल के प्रश्न पूछे जाएंगे। समय 3 घंटे दिया जाएगा और फुल मार्क्स ये 200 मार्क्स का होता है। और हरेक जो पेपर है, जैसे यहां पर ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है, एक जो पार्ट है हिस्ट्री का यहाँ 100 नंबर का और फिर दूसरा भाग है वो जियोग्राफी का। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उस ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज करना होता है और उसका आंसर देना होता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन जियोग्राफी के रहेंगे। जैसे इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका आंसर भी अभी हम लोग देख लेते हैं जिन लोगों का आ रहा है। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गण संघ को हराकर आत्मसात किया, तो अजात शत्रु ने यह काम किया था। ऑप्शन डी का सही आंसर हो जाएगा। हरप्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी नदी के तट पर हो जाएगा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, भीमराज प्रथम ने यह किया था। हम लोग एक बार इसका डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा, अभी केवल क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा। सही आंसर इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि इसका डच लैंडेड जो है वो 1605 हो जाएंगे, 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है उन्होंने बनाई थी। 1603 नहीं होगा, इस पर वैसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बहादुर शाह सेकेंड जो है या बहादुर शाह जफर जो है वो ये किया था, इस पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे मित्र मेला के बारे में पूछा है, ये बाद में अभिनव भारत हो गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में हुई थी, चोरी चोरा घटना के बाद हुई थी। ये बंगम माझी जो है ये सत्य धर्म से रिलेटेड हो जाएंगे और टाना भगत जो है ये जतरा उराव ने स्टार्ट किया था। अब देखिए ये तो एमसीक्यू हो गया, एमसीक्यू के बाद जो है 2 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव हमें अटेम्प्ट करने हैं। यहां पर
चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन चार क्वेश्चन में से कोई दो क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स का है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला जो है, चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया है कि बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका की का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा गया है कि टू व्हाट एक्सटेंट बिरसा मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सरदार मूवमेंट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बिरसा मूवमेंट। जियोग्राफी में भी इसी तरह से पहला जो 10 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू का होगा और हर एक जो है वो दो दो नंबर का होगा, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इसका बाद में हम लोग आंसर एक बार करेंगे। और नेक्स्ट जो फिर जो है, यहाँ पर भी दो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 40-40 नंबर के, तो इसको आराम से हमें लिखना होता है, समय की कोई कमी नहीं होती है, एक एक करके लिखना होता है, इसको प्रैक्टिस करके ही आ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री में, इन रिसेंट टाइम सुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक्सप्लेन। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जो झारखंड, ये नॉर्थ इंडिया में जो उत्तर प्रदेश का पोर्शन है, पहले बिहार में सबसे ज्यादा होता था, लेकिन बिहार में तो अब लगभग खत्म सी हो गई है सुगर इंडस्ट्रीज। इसका कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश से ये अब तमिलनाडु की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसके बारे में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर, अकाउंट फॉर द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र नगरीकरण का सकारण विवरण प्रस्तुत करें। तो फिर यहाँ पर 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011 का जो है अर्बनाइजेशन का हमें डेटा रखकर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना होगा, इस तरह के आंसर को लिखने के समय। झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकाशों की व्याख्या कीजिए। तो ये अपना पेपर थर्ड था। पेपर फोर्थ जो है, यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी 3 घंटे एग्जाम होता है और 200 मार्क्स का होता है। यहाँ पर भी जो 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर सेक्शन ए में जो है 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, सोशलिस्ट एंड सेकुलर को जोड़ा गया था। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आंसर एक एक करके बाद में इसको देखेंगे। तो इस पर भी मेहनत करने की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर पूछ दिया गया है कि 11th शेड्यूल में, 11th शेड्यूल का मतलब हो गया जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं या आइटम जिसको हम लोग कहते हैं वो सम्मिलित हैं। अब जैसे यहाँ पर भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये 40 मार्क्स के होंगे, तो बहुत जो हम क्या कहते हैं, मतलब कि बहुत आराम से एग्जामिनेशन में हमें इस पेपर को सॉल्व करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन, एक एक चीज़ को हमें लिखना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया है, इसमें चार क्वेश्चन है और किसी दो ही को अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन 40-40 नंबर का है। ये फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर ओवर स्ट्रेस्ड व्हाइल फंडामेंटल ड्यूटीज आर अंडर एम्फेसाइज्ड। भारत में मूल अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया जाता है जबकि मूल कर्तव्यों को कम महत्व दिया जाता है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, एग्जामिन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशली इन पोस्ट लिबरलाइजेशन एरिया। पोस्ट लिबरलाइजेशन एरिया का मतलब है 1991 में जो है LPG रिफॉर्म आया था उसके बाद से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फोर, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है ये 1992 में आया था और 1993 में अलग अलग डेटों पर ये लागू हुआ था, उसके बारे में हमें क्या करना है कि आंसर करना है कि कैसे संशोधन ने ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यकरण में जीवन को अनुप्रेरित कर दिया, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव इन्फ्यूज्ड लाइफ इन द वर्किंग ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, डिस्कस क्रिटिकली। क्वेश्चन नंबर फाइव है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और राइट टू इक्वालिटी ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अब सेक्शन बी जो है, यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो MCQ के हैं, हर एक दो दो नंबर के हैं, इसमें से चूज करते हुए हमें आंसर करना है और फिर हम आ जाएंगे अपने इसके लॉन्ग कमीशन पर। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन ऑन विच द फ्लोइंग डे नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये 1 जनवरी 2015 को एग्जिस्टेंस में आया था प्लानिंग कमीशन के जगह पर, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हमें वहां पर OMR सीट पर ही देना होता है, OMR सीट इन क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो हमें लिखने का आंसर बुक दिया जाता है। यहाँ पर भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स के होंगे, किसी दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर पूछा गया है कि डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पोस्ट ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हैज अचीव्ड इट्स डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्हांसिंग ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, इफ नॉट आइडेंटिफाई रीजंस एंड सजेस्ट द रोड मैप अहेड। कैसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ने प्रशासन में पारदर्शिता के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, यदि नहीं तो
इसके कारणों को चिन्हित करते हुए आगे के मार्ग के लिए सुझाव दीजिए। हम लोग जानते हैं कि आरटीआई का जो अभी कंडीशन है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा और बहुत बुरा भी नहीं माना जाएगा, बहुत इसमें अभी कमियां देखने को मिलती हैं, वो बिल्कुल मतलब कि उस हिसाब से नहीं काम कर रहा जिस इंस्पिरेशन से आरटीआई को लाया गया था। इसलिए ये बता भी रहा है कि जो कारण है जिनके चलते ये बेहतर नहीं कर रहा, उसको चिन्हित करते हुए आगे के मार्ग को कैसे बेहतर और बनाया जाए सुझाव भी देना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले को भी ये पता है कि बेहतर फंक्शन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त आयोग का गठन और भूमिका और राज्य प्रशासन के मुख्य सचिव की भूमिका के बारे में हमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस क्रिटिकली द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी इन इंडिया। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले हमें सिलेबस को भी डिटेल्स में देखना होगा। इस वीडियो में हम लोग अभी पेपर के बारे में देख रहे हैं कि किस तरह से पेपर पूछे जाते हैं। 6 के 6 पेपर हम लोग इसमें कंसीडर किए हैं। पेपर 5 जो है ये इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी 3 घंटे समय दिए जाते हैं, 2 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर भी जो 20 क्वेश्चन हैं वो MCQ होंगे 40 मार्क्स के, अर्थात कि 200 नंबर में 40 नंबर, अर्थात कि 20% जो मार्क्स हैं हर एक पेपर में, केवल लैंग्वेज और लिटरेचर को छोड़कर अर्थात कि जनरल स्टडी के जो 4 पेपर हैं इन सब में 20% मार्क्स जो है वो MCQ के रहेंगे। अर्थात कि जल्दी हम लोग चारों पेपर को ऐड करें 4 × 40 तो ये कितने हो जाते हैं, 160 मार्क्स हो जाता है 800 मार्क्स में। 800 मार्क्स में MCQ कितने का होता है, 160, अर्थात कि 20%। यहाँ पर सेक्शन 1 में दिया गया है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया गया है, जैसे इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया है कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है, तो ये तीनों हो जाएंगे। उच्च आय की मांग भी होती है, मांग वृद्धि के साथ आपूर्ति वृद्धि का न होना, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक जो है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इन इकोनॉमी हो जाती है, उपयुक्त में से सभी इसके आंसर हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग इसका आंसर बाद में देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, एट प्रेजेंट 100% FDI इज नॉट अलाउड, किसमें नहीं अलाउ किया गया है वो है। अब जैसे कि अपने झारखंड के बारे में पूछा गया है, तो हमारा जो झारखंड है एग्रीकल्चर तो हम इसको करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे झारखंड में एग्रीकल्चर उतना महत्व नहीं है जितना कि बंगाल और बिहार में है। लेकिन हमारी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी माइनिंग, वो कोल की माइनिंग हो या जो अदर मिनरल्स हैं उनकी माइनिंग हो, इवन जो हमारे झारखंड में यूरेनियम जैसे जो मिनरल्स हैं वो भी झारखंड में पाए जाते हैं। तो उद्योग से बेहतर जो है सदी हमको चूज करना है अपने झारखंड की इकोनॉमी, तो हमारी जो झारखंड की इकोनॉमी है वो खनन अर्थात की माइनिंग पर बेस्ड है। इसका सही आंसर 100% माइनिंग होगा, न कि उद्योग होगा, तो उद्योग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अभी माइनिंग पर हम लोग फोकस करेंगे अपने झारखंड को लेकर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पेपर जो 5th है। सेक्शन 2 जो है, अब जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला है, यहाँ पर देखिए हमने 40 मार्क्स का तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 सेक्शन में बांट दिया है और हर एक को अटेम्प्ट करना है, हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है, लेकिन और दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन 2 में कि डिस्कस इन डिटेल रिसेंट चेंजेस इन कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, हाल ही में भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा में हुए परिवर्तन की विस्तृत चर्चा कीजिए, अथवा भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव की विस्तृत विवेचना कीजिए, WTO और इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को चूज करते हुए हमें अपना आंसर लिखना है। सेम सेक्शन 3 पर भी लागू होता है, अथवा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए, दर्शाएं कि यह अधिनियम निम्न आय वर्ग की खाद्य असुरक्षा को कम करने में सहायक होगा, या फिर समावेशी को कैसे मापा जाता है जो इंक्लूजन है, क्या भारतीय आंकड़े रोजगार एवं प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में हुए आर्थिक समावेशन को दर्शाते हैं। सेक्शन 4 में जो है आर्थिक सुधारों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभावों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, अथवा भारत में कृषि बाजार के दोषों को की समीक्षा कीजिए, इसके निदान के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। और फाइनली जो है सेक्शन 5 जो है इसमें पूछा गया है कि डिस्कस द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, एग्जामिन द स्टेप्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए, अथवा डिस्कस द कजेस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन झारखंड, सजेस्ट मेजर्स फॉर अचीविंग अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, झारखंड में कृषि क्षेत्र में खराब कार्य प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा कीजिए, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। अब सिंपल सी बात है, ये काउंटर हो गया कि हमारा जो कृषि है, हम देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र जो है हमारा झारखंड जो है खराब प्रदर्शन कर रहा है, तो हम जो है वो कृषि के रूप में नहीं जाने जाएंगे, तो उसी पर कृषि को बेहतर और बनाने के लिए हमें यहाँ पर सुझाव देने हैं अपने आंसर में। नाउ क्वेश्चन नंबर ये पेपर 6 जो है जनरल साइंस इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ पर भी समय 3 घंटे दिया जाता है, 200 मार्क्स का है।
इसमें भी जो है क्वेश्चन जो है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड ऑल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर वन इज कंपलसरी एंड इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 टू मार्क्स का है, 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 आर डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड आंसर शुड नॉट एक्सीड 500 to 600 वर्ड्स में ही हमें इनके आंसर लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 to 6 आर जो है हर एक जो क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर फिर हमें क्या करना है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 5 क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन जो है 32 मार्क्स का होगा, अर्थात कि ये जो है 160 मार्क्स का ये सब्जेक्टिव हो गया और 40 मार्क्स का MCQ हो गया। तो हमें 5 क्वेश्चन उस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। जैसे यहां पर MCQ में पूछा गया है कि साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ज, 20 हर्ज से नीचे वाला जो होता है उसे हम लोग इंफ्रासोनिक कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग इसका सलूशन बाद में देखेंगे। ये 20 क्वेश्चंस होंगे। जैसे यहां पर पूछा गया है कि नीम पेड़ का उपयोग कहां होते हैं, औषधि के रूप में हम लोग करते हैं, खाद के रूप में भी करते हैं और टिम्बर के भी रूप में हम लोग कर सकते हैं। वैसे इसका लकड़ी जो है मजबूत नहीं होता है, लेकिन कुछ छोटे मोटे चीजों के लिए हम लोग कास्ट में भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि औषधि और खाद के रूप में तो हम करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर 100% ऑप्शन डी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। ये 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया। अब जैसे पूछा गया कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है ये नर्मदा पर बिल्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। रेड डेटा बुक जो है किससे रिलेटेड है, तो इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स का जो है ये डेटा पब्लिश करता है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस देखने को मिले। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और हर एक क्वेश्चन में और भी दिया हुआ है। व्हाट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, MCQ भी इंफ्रासोनिक अर्थात की साउंड से स्टार्ट किया था। नेम द सोर्सेस ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। इसका अथवा स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन डिस्टिंग्विश बिटवीन लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। क्वेश्चन नंबर 3, लिंग सहलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल, अथवा नेम 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लांड्स, जिसको कि हम लोग मास्टर ग्लांड के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो हार्मोन्स हैं, जो कंट्रोल्ड हार्मोन्स हैं, जो हमारे बॉडी को नियंत्रित करते हैं हार्मोन, वो पिट्यूटरी ग्लांड से ही निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन्स के नाम लिखें, इनके कार्यों की व्याख्या कीजिए है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रोफॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री एंड देयर मैनेजमेंट, अथवा एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सेलियंट फीचर ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट कॉजेस इफेक्ट एंड कंट्रोल मेथड्स ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठोस अवशिष्ट का प्रबंधन क्या है, नगरीय और औद्योगिक अवशिष्ट के कारण प्रभाव व नियंत्रण के उपाय लिखें, अथवा एक्सप्लेन द एविडेंस एंड कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के प्रमाणों और कारणों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हाट इज ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड या और इसमें डिफाइंड कैंसर, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ कैंसर, मेंशंस अ लिस्ट ऑफ कार्सिनोजेंस, कैंसर रोग की परिभाषा दें, कैंसर के प्रकारों का वर्णन करें और कार्सिनोजेंस की सूची दें। तो यह हम लोगों ने टोटल 6 पेपर जो है मेंस एग्जामिनेशन के उनके क्वेश्चंस पेपर देखें। अगले वीडियोस में हम लोग इसका जो MCQ है मैं उसका डिटेल्स में सोल्यूशन करूंगा, एक एक चीज को उस पर फोकस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये बहुत लंबा फिर वीडियो हो जाता, और इन क्वेश्चंस का भी आंसर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेंगे कि किस तरह से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं।